आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया में जिले के सभी 19 जिला पंचायत सदस्य इस दौरान शामिल है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्वती गगेंद्र सिंह रघुवंशी और भाजपा की ओर से गीता कैलाश रघुवंशी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। जिला पंचायत में चल रही है इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस द्वारा काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव आरओ के रूप में प्रक्रिया देख रहे हैं। दोनों पार्टियों की ओर से जीत का दावा किया गया था। भाजपा की तरफ से जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा, विधायक राजश्री सिंह, हरी सिंह सप्रे, श्रीमती लीना जैन, पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह, विदिशा जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, ग्यारसपुर जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बृजेश सिंह लोधी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद है और जीत का जश्न मनाया जा रहा है। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी। जैसे प्रचार में गए, जगह जगह देखा है मैंने, पानी की बहुत समस्या है, लाइट की बहुत समस्या है, रोडों की बहुत समस्या है। इन सब चीज़ों के लिए पूरी पूरी कोशिश नहीं करना ही है इन सब चीज़ों के लिए। दो मत उम्मीद थी हमारे सदस्यों पे, सब पे पूरी पूरी उम्मीद थी हमें। उपाध्यक्ष किसका किसका तय करा है भाई साहब? थोड़े बाहर आ जाए, थोड़े से बाहर सरकार थोड़े बाहर आ मैं ला रहा हूँ। एआरओ ऑफिस से फोटोग्राफर।